शिकारियों को फंसाया जाएगा रोबोटिक हिरण से। जानिए कैसे तकनीक बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और जमाना अब रोबोट से चल रहा है। इसी की दिशा में अब वैज्ञानिक पर्यावरण को बचाने में एक कदम उठाया है। इसके लिए दक्षिणी कैरोलिना, एरिजोना, ओहियो तथा इंडियाना के जंगलों में हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। इसके लिए रोबोटिक हिरण काम में लाए जा रहे हैं। बता दें कि इन्हें रोबोट डियर कहा जा रहा है। जानकारी दे दे कि यह शिकारियों को दर दबोचने के लिए वन विभाग की नई योजना है। ये रोबो हिरण हूबहू असली हिरण के जैसे ही दिखते हैं। इसके सींग, सिर, पैर तथा टांगों को इधर उधर आसानी से घुमाया जा सकता है। बता दे कि एक हिरण पर $1,500 की अनुमानित लागत आई है। इसकी खासियत है कि ये एक हिरण बंदूक के 1000 राउंड झेल सकता है। पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए ये रोबो हिरण एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं। अवैध शिकार को रोकने के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें आश्चर्यजनक सफलता हासिल हुई है। आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, जब भी कोई शिकारी इन्हें असली का हिरण समझकर गोली चलाता है तो सायरन बजाता है और उस हिरण की लोकेशन पता चल जाती है, जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को शिकारियों के बारे में पता चल जाता है और उसके पकड़ लिया जाता है। पिछले कई सालों से हिरणों की संख्या में काफी कमी आई है, तो ये तकनीक इसमें बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका कारण अवैध शिकारियों की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।